दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल विशाल गुरु में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है कैसे इनकम टैक्स रिटर्न के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप होम लोन, क्रेडिट कार्ड आपसे 3 साल के मांगे जाते हैं तो आप उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि कितने कितने लाख के आपने पर ईयर ITR फिल किए थे वो आप जो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं यही जो बताने वाला हूँ कि इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, मोबाइल की स्क्रीन पर ले आके आपको सारी चीज़ें A to Z में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए ले चलता हूँ आपको मोबाइल। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, गूगल भी आप ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल में। वहाँ पर आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट टाइप कर देना। मैं इनकम टैक्स यहाँ पर टाइप करूँगा तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। इनकम टैक्स ये टाइप करोगे तो IncomeTax.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपने फाइल किया है, किसी से फाइल कराया है, तो आप उससे अपना जो आपको पैन कार्ड नंबर तो अपना पता ही होगा, उससे आपको पासवर्ड जो है पूछ लेना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि डेस्कटॉप मोड में कंप्यूटर की तरह हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर एक लॉग आइकन बटन आ रहा है जो कि पर्सन का है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। आपने ITR फिल किया तो आप रजिस्टर तो हो चुके होंगे। फिर इसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये लोडिंग होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो पैन नंबर, आधार नंबर, अदर यूजर ID यदि बनाई हुई है तो आपको वो डाल देनी है। जैसे कि आपने फिल किया तो आपको पैन कार्ड नंबर पे ये जो है फिल किया जाता है, यूज़र ID आपकी यही हो जाती है। तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना अपना और कंटिन्यू वाले बटन पे वो ब्लू हो जाएगा, आपको वो टैप कर देना। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये प्लस कन्फर्म पे इस पर टिक कर देना, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। यदि आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉरगॉट पासवर्ड पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको क्या क्या डिटेल जो डालनी होंगी फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना होगा, यानी कि अपना पैन कार्ड नंबर डालना और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड, आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है जो कि OTP वगैरह, और पासवर्ड को सेट कर लेना, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो हमको जैसे कि नहीं करना, हमको अपना पासवर्ड पता है, तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। और आपने जैसे अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर लिया, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो कि हमारा जो है डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो चुका है यहाँ पर। और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर 3 लाइंस पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ITR जो फिल किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ई फाइल में। आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स का फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, तो हम इनकम टैक्स पर आपको रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न, जो भी हमने रिटर्न फिल किए हुए हैं आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने जो भी रिटर्न फाइल किए हुए हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे कि हमने 2021 और 2022 तक रिटर्न फाइल ही, यानी कि 2 साल के रिटर्न फाइल के हुए, हमको ये डाउनलोड करने, तो आपको डाउनलोड फॉर्म पर सबसे पहले ये क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो है लोडिंग लेगा और कुछ सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही आप डाउनलोड रिसीट, डाउनलोड XML दोनों तरीके के डाउनलोड जो है यहाँ पर कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फील्ड वाइज किससे फिल किया हुआ है, फिलिंग डेट और यहाँ पर सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। सेल्फ एक्नॉलेज नंबर आपको मिल जाता है और जो जो डाउनलोड होगा वो ही डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, और आपका जो है ITR का यही डॉक्यूमेंट्स होता है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये जैसे ही डाउनलोड होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार का कुछ ये ITR का रिटर्न होता है, ऐसे आपके असाइनमेंट के सामने आ जाता है और आपका ITR 3 कौन सा ITR भरा गया है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि आपके इनकम टैक्स रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई ज़रूर देता हूँ आपके लिए। 3 फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको कुछ इस प्रकार मिलते हैं। ITR 3 आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी डिटेल्स आपको इसमें लास्ट में जो 57 जो कि पेज है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेज हैं, वो आप देख सकते हो और आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। आप सीख गए होंगे कि आपको अपना फाइल रिटर्न जो है वो कैसे डाउनलोड करने हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।